हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट हिंदी एंड सीईआरटी क्लास सेकंड, पार्ट 8। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, मैं के सारी गली गली। गली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। सात हवा की लगी भागने, तितली छूने उसे चली। इस कविता की पंक्ति में ये कहा जा रहा है, हरी डाल पर लगी हुई थी, कहा जा रहा है कि पौधे की एक हरी डाल पर एक नन्ही सी सुंदर सी कली लगी हुई थी। तितली उसे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तभी वहाँ पे एक छोटी सी तितली आती है और वो उस कली को बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो वो उसकी तारीफ करने के लिए वो उसके पास आती है। अब जाओ, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तभी वो तितली क्या बोलती है, वो उस नन्ही कली को बोलती है, जल्दी से जाग जाओ, सवेरा हो गया है, अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलने आओ। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। और वो बोलती है कि जल्दी से जागो और अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। तभी खेलने की बात को सुनकर कली जल्दी से छिटक कर खिल उठती है। हाथ सात हवा की लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तभी कली को खिलता हुआ देखकर तितली जल्दी से उसे छूने के लिए निकल पड़ती है। तो ये कविता तितली और कली की थी। एक कली थी जो कि एक पौधे की डाल पे लगी हुई थी और वो बहुत ही छोटी सी थी। तभी वहाँ एक तितली आती है और उसे आके बोलती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, अब जल्दी से जाग भी जाओ, सवेरा हो चुका है, आंखें खोलो और हमारे साथ आकर खेलो। और वो बोलती है, जल्दी से तुम जागोगी तो तुम्हारी जो सुंदर सुंदर महके हैं वो सारी गली में बिखर जाएगी। तभी क्या होती है कि जो छोटी कली होती है वो खेलने की बात सुनकर जल्दी से वो खिल जाती है। जैसी वो खिलती है तो तितली उसे छूने के लिए दौड़ पड़ती है। कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कविता के कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तितली के द्वारा खेले जाने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? क्योंकि तितली ने कली को बोला था, अब जाग भी जाओ, तो इससे पता चलता है कि ये सुबह का टाइम है, इसलिए वह सुबह उसके पास गई होगी। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? क्योंकि उस तितली ने बोला था कि अब जाग भी जाओ, मीन्स सवेरे ही जागा जाता है, तो ये अंदाज़ा ऐसे लगाया। दो दो बार, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाए। घड़ी घड़ी, मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। घर घर, दिवाली के समय घर घर में दिए जलाए जाते हैं। डाल डाल, उस पेड़ की डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली चली गली। तो आपको ऐसे वर्ड कविता में से सर्च करके लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ने हैं, जैसे बोलो खोलो घोलो, तितली बिजली मितली डाल थाल जाल।